नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A74 5G वर्सेस OnePlus Nord Z 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A74 5G में 6.41 इंच जबकि Nord Z 5G में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A74 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A74 5G में 2.94 इंच जबकि Nord Z 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A74 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A74 5G में 0.33 इंच जबकि Nord Z 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A74 5G में 188 ग्राम जबकि Nord Z 5G में 170 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A74 5G में IPS LCD जबकि Nord Z 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A74 5G में 6.5 इंचेस जबकि Nord Z 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A74 5G में 83.83% जबकि Nord Z 5G में 85.31% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A74 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nord Z 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A74 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Nord Z 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A74 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nord Z 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A74 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Nord Z 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 619 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A74 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और Nord Z 5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है। बात करें रैम की तो A74 5G में 6GB की रैम मिलती है, जबकि Nord Z 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A74 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord Z 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A74 5G में अप टू 256GB जबकि Nord Z 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी A74 5G में 5000mAh जबकि Nord Z 5G में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A74 5G में 2 कलर्स जबकि Nord Z 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A74 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नॉट से 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नॉट से 5G आगे है, मेन कैमरा में नॉट से 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नॉट से 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।